साथियों, रिफॉर्म्स यानी सुधार के साथ ही हमने जिस बात पर फोकस किया है वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब जीएसटी ने ले ली है और इस सिंप्लीफिकेशन का नतीजा भी देश देख रहा है। अब हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। सुधार सरलीकरण से आगे बढ़कर अब हम सुगम व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। जेम पोर्टल की वजह से एंटरप्रेनर्स और एंटरप्राइज के लिए सरकार के अपना प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान हो गया है। इसमें भी खरीद का आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर रहा है। आज देश में निवेश करने के लिए कहां कहां संभावनाएं हैं वो जानकारी इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। आज अनेक तरह की क्लियरेंसेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल है। इसी कड़ी में ये जनसमर्थ पोर्टल भी देश के युवाओं, देश के स्टार्टअप्स को बहुत मदद करने वाला है। आज हम सुधार सरलीकरण सुगमता की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो सुविधाओं का नया स्तर प्राप्त होता है। सभी देशवासियों को आधुनिक सुविधाएं देना, उसके लिए नित नए प्रयास करना, नए संकल्प लेकर उन्हें सिद्ध करना हम सभी का दायित्व है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।